नमस्ते व्यूअर्स, मैं मित्रलाल शर्मा, न्यूज़ 99 का चीफ ब्यूरो, और आज हम सीधा प्रसारण करते हुए सिक्किम से 21 नर्दम मातम क्षेत्र पाक्यंग से, और आज हम बातचीत करेंगे मिनिस्टर श्री डी टी लिपचा जी से, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बिवेश भंडारी, जिसमें उन्होंने श्री डी टी लिपचा जी से 21 नर्दम मातम क्षेत्र के जितने भी पर्यावरण, वातावरण और अन्य डेवलपमेंट जो इस स्थल पर हुए 21 नर्दम मातम क्षेत्र में, उनके अनुरूप और आने वाले चुनावों के लिए एक अहम प्रश्न उठाए। और आप हमारे न्यूज़ 99 चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे पेज को लाइक करिए, और ऐसे ही अन्य जानकारी के साथ मैं मित्रल शर्मा हाजिर रहूँगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं बिवेश भंडारी, न्यूज़ 99 के सिक्किम संवाददाता। आज हम पहुँचे हैं 21 नर्दम मातम क्षेत्र के विधायक श्री दोजी चिरिंग लेपचा के गृहस्थल पर, और वहाँ पर हम आज उनके साथ कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने आज जिस तरह 21 नर्दम मातम क्षेत्र को इतना बढ़िया से सुंदरीकरण किया है, और उसी विषय में लेके आज हम लोग उनसे कुछ वार्तालाप करने जा रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उन्होंने 21 नर्दम मातम क्षेत्र को इतना सुंदर बनाया और पर्यटक के लिए भी बहुत आकर्षण का केंद्र बनाया है, उसी विषय में हम लोग आज उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आइए आज हम लोग उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, ये जो आपने अभी तक अपना कार्य किया है 21 नर्दम मातम क्षेत्र में, वहाँ के लोग आपके बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और इसी प्रशंसा को हम लोगों ने एक विषय ठानकर आपको आज यहाँ उपस्थित होकर आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि अभी तक जितने भी हमारे इस क्षेत्र में आए थे, उन्होंने आज तक कोई अच्छा काम किया है, लेकिन वो दर्शित नहीं हुआ है दुनिया के सामने। तो उस विषय को लेकर आज आपसे कुछ प्रश्न है। ये पहला प्रश्न हम आपको कर रहे हैं। सर, आप इस 2019 का जो चुनाव है, उसमें आप अपना इस जो क्षेत्र है, अभी जो आप इस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र को और सुंदरीकरण करने के लिए आपने क्या क्या योजना बनाया है? विशेष करके मैं 21 नर्दम मातम निर्वाचन क्षेत्र का विधायक हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ। और मेरा ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये दुर्गम एरिया में पड़ता है। एक तरफ चाइना बॉर्डर है, एक तरफ भूटान बॉर्डर है, और बाकी निर्वाचन क्षेत्र से ये मतलब पीछे है, पीछे था पहले सभी एंगल में। अभी काफ़ी काम हुआ, ये बात को मैं भी मानता हूँ। ये सभी इसका श्रेय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पवन चामलिङ, अर्थात इसका संपूर्ण श्रेय स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट में अभी ये नर्दम मातम निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र बाकी निर्वाचन क्षेत्र के स्तर निर्वाचन क्षेत्र जैसा ही मतलब आगे बढ़ रहा है, हो रहा है काम। और जैसे आपने बोला, अभी ये जो टूरिज्म के पर्यटक के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसमें मैं भी खुश हूँ, क्योंकि हमारा अभी निर्वाचन क्षेत्र में सिक्किम में सबसे ज़्यादा होम स्टे चल रहा है। और उसके अलावा अभी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग भी वॉकिंग डिस्टेंस में दोनों एक साथ मतलब स्टार्ट हो रहा है। आज ही एक कंपनी गया है उधर, जाकर देख रहा है उन लोग की मतलब उधर जो टूरिस्ट के लिए सुविधा के लिए वॉशरूम और सेट बनाने के लिए उन लोग स्पॉन्सर कर रहा है, उन लोगों का जो कंपनी है उन लोगों का CSR के मार्फत से उन लोग कर रहे हैं। और नर्दम मातम निर्वाचन क्षेत्र जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो उधर का जो यंग युवा भाई बहन है, जो पढ़ा लिखा भाई बहन है, उन लोग काफ़ी मात्रा में ये होम स्टे टूरिज्म के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, और ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है मतलब गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के लिए, राज्य के लिए भी। और मैं चाहता हूँ ये 2019 के बाद उधर जो भी MLA बनेगा, चाहे मैं बनूँ या जो भी बने, यदि कोई दूसरा हो गया तो उसको भी मैं ये गाइड करूँगा कि उधर मतलब ये पर्यटक क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये जो एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में उधर मतलब काफ़ी संभावना है, इसी को आगे बढ़ाना है। और इसी को आगे बढ़ाने से क्या है, मतलब उधर जुग जुग तक उन लोगों का जो रोज़गार उसी में होगा, उन लोगों का जो मतलब इनकम उसी में होगा, और इसी में सबसे ज़्यादा संभावना है। र जो 2019 का बात कर रहे हैं, उसमें तो निर्वाचन हमारा निर्वाचन क्षेत्र में कोई उस प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मतलब स्टेट पार्टी का जो कैंडिडेट जाएगा, आराम से जीत जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग ने सुना है कि जो वहाँ पर जितने भी आपके मतलब वोटर्स है,
वो लोग तो आप ही को मांग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आप उनको निराश करना चाहते हैं या उनको और प्रोत्साहन करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में अगली बार आके? ऐसा है, निर्वाचन क्षेत्र किसी का, मतलब जो नेपाली में बोलता है वो प्योर किसी का मतलब अपना नहीं होता है। पार्टी जो डिसाइड करेगा हम तो वही मानेंगे। पार्टी यदि बोलेगा नहीं इस बार आप रुकना है, दूसरों को मौका देना, उसमें भी मैं तो 100% रेडी हूँ। आराम से मैं जो हमारा पार्टी अध्यक्ष है, सामान्य मुख्यमंत्री है, उसके पीछे मैं लग जाऊँगा, उसके साथ मैं पार्टी के लिए आज काम करूँगा जो भी आने से। तो इसलिए मैं अभी ये नहीं कर सकता कि पार्टी जो डिसाइड करेगा मैं उसी में जाऊँगा। देखते रहिए न्यूज़ 99 में विवेश भंडारी, कैमरामैन फ्रांसिस सुबा के साथ।